अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ऐसा है कि आज की जो वीडियो है वो सडन वीडियो है। उसकी वजह यह है कि बहरिया टू कराची के हवाले से या प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आगे पास नहीं की जाती। उसकी वजह ये होती है कि वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना पड़ता है, एडिट करने के बाद फिर अपलोड होती है नहीं होती है, उसमें इन्फॉर्मेशन आप सारी पुरानी हो जाती है। लोगों को इससे बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि किस तरह की वीडियो बन रही है और किस कैमरे से बनाई जा रही है, बैकग्राउंड क्या है, क्या साउंड क्वालिटी है। लोगों को सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। लोगों का कंसर्न ये है कि भाई प्रॉपर्टी दिला दो कम पैसों में और ज़्यादा पैसों में बेच दो और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करवा दो। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, राइट टाइम पर राइट डिसीजन कैसे लिया जाए, उसके लिए सही इन्फॉर्मेशन चाहिए, मार्केट स्टडी चाहिए। अच्छा जी, वो लोग जो आज रिग्रेट कर रहे हैं कि जिस तरह से पिछले दिनों गोल्ड ऊपर गया, 1.5 लाख रुपए से जो है वो 2,15,000 रुपए तक चला गया, डॉलर पिछले साल 180 रुपए से आज 280 रुपए और 300 रुपए तक का जो है वो डॉलर है, उस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आज रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई मसला नहीं है। अपॉर्चुनिटी कभी मार्केट में ख़त्म नहीं होती। रियल इस्टेट में भी जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, इसमें अभी मार्केट ऊपर नहीं गई है, और जैसे ही हमारे मुल्क के हालात बेहतर होते हैं इन्होंने ऊपर चले जाना है। और इस पर जो ग्रोथ रेट आना है वो मैं नहीं समझता कि 50% से और 100% तक जाना है। अच्छा जी, अगर बात करते हैं राइट इन्फॉर्मेशन की, तो वो ये है कि जो प्लॉट आज से 8 महीने पहले, 9 महीने पहले या साल पहले 25 लाख रुपए में लोग लेने के लिए परेशान थे कि उनको प्लॉट नहीं मिल रहे थे, वो प्लॉट्स आज 12 लाख रुपये, 13 लाख रुपये में मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरह से जो प्लॉट्स 40 लाख रुपए के थे या 45 लाख रुपए के थे, वो 25 लाख रुपए में मार्केट में भी मिल जाते हैं। अराउंड 30-35% मार्केट रिवर्स हुई है। जिस तरह से पिछले दिनों मार्केट में इन्फ्लेशन 30-35% ऊपर चला गया है, देखिए इस पर किसी का ग्रिप नहीं है, या आप नहीं रोक सकते हैं। अगर 50% भी चले जाए तो नहीं रोक सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से प्रॉफिट गेन करके इस इन्फ्लेशन को मीट कर सकते हैं, तो यही एक ऑप्शन है। और इसके लिए आपको सही वक्त पे सही डिसीजन लेना ज़रूरी है। अभी की जो मार्केट पोजीशन है वो उसी तरह की है जिस तरह से 2018 में बहरिया पर केस हुआ था और मार्केट बुरी तरह से कोलैप्स कर गई थी। लोगों ने इस मार्केट में डिसीजन लिया, राइट टाइम पे राइट बाइंग करी और आफ्टर 1 ईयर उन्होंने अच्छा खासा गेन इसमें से लिया। फिर इसी तरह से 2020 में हुआ, कोविड में जिस तरह से पूरी दुनिया में हालात हुए और मार्केट रियल इस्टेट की जो मार्केट थी वो बुरी तरह से कोलैप्स कर गई, लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने राइट टाइम था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो गेन करके निकल गए। इसी तरह से अभी के जो मार्केट के हालात हैं, अभी हमारी जो कंट्री के गवर्नमेंट सिचुएशन है, इस वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्स है और ये परमानेंट नहीं है। ये हो सकता है कि 6 महीने में हालत चेंज हो जाए, 1 साल में हालत चेंज हो जाए और उसके बाद जो जिस तरह की जो मार्केट है उसमें 50% अप टू 100% मार्केट जो है वो प्लस हो जाएगी। अगर इन्फ्लेशन आपका 50% भी चले जाए तो तब भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर खड़े होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको राइट टाइम पर राइट इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है।